तो आराम करने का मौका नहीं मिलता था। जन्म देने के पहले तक मजदूरी करती थी और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था कि खेत में काम करने फिर मजदूरी करने निकल जाती थी। और मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि मेरी ऐसी बहनों को आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए मैंने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000 रुपया खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा ले और घर पर रहकर आराम करने का उसको मौका मिल जाए। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई 1.25 साल, उनने ऐसी कई योजना बंद कर दी। भाई और बहनों में देखता था, अगर एक्सीडेंट पे मौत हो जाए तो परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता था, कैसे परिवार की जिंदगी चले इसका ठिकाना नहीं रहता था। मैंने संबल योजना इसलिए बनाई कि ऐसे परिवार में भगवान ना करे ऐसी विपत्ति कभी आए, लेकिन अगर आए तो मैंने तय किया कि 4 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देंगे, ताकि परिवार की जिंदगी की गाड़ी चल जाए। मैं देखता था हमारे किसान भाई सूखी खेती करते थे तो जितना बोते थे कई बार उतना नहीं काट पाते थे, और इसलिए मैंने जिद की कि सिंचाई की व्यवस्था हर गांव में करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और कई सिंचाई की योजनाएं बनाई। मेरी बहनों में देखता था कि पीने के पानी के लिए कई बार बड़ी तकलीफ होती थी, हैंडपंप पे गांव में एक तो मुश्किल से हैंडपंप खुदते थे कांग्रेस के जमाने में, और दिन दिन भर बेटियां बेचारी पानी भरती रहती थी। तब मेरे मन में भाव आता था कि अपने क्षेत्र में कोई ऐसा दिन आएगा कि हैंडपंप के हत्थे से बेटियों को नहीं लटकना पड़े और घर में पीने का पानी नल से पहुंचा दिया जाए। और इसलिए बहनों और भाइयों, नर्मदा मैया का पानी कोई सोचता नहीं था कि ये भी कभी हो सकता है, लेकिन नर्मदा जी का पानी पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के मैंने देने की कोशिश की, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड और गघरा भरा जाए, हैंडपंप पे लाइन ना लगाना पड़े। अब छोटे मोटे काम बाकी, कई गांव में बताया कि इतनी लाइन कम पड़ गई, फलाना कम पड़ गया, वो भी मैं पूरा करवाऊंगा। लेकिन ईमानदारी से बताना, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो घर घर नर्मदा मैया का पानी आ पाता क्या? अरे जोर से बताओ, आ पाता क्या? अभी सड़क के लिए आवेदन मुझे अभी भी दिए जाते हैं चारों तरफ गांव में। कांग्रेस के जमाने में क्या हालत था, अगर चारुआ भी चले जाओ कांग्रेस की सड़कों पे और लौट के आओ तो इतनी धूरा भराती थी कि झटक के पहचानते थे चेहरा कौन सा है। गांव गांव सड़कों का जाल बिछाने का काम अपने किया। आप बताओ, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो इतनी सड़कें बन पाती क्या? जोर से बताओ, बन पाती क्या? पानी हो, सड़कें हो, बिजली हो, विकास के काम हो। अब ये रोड अपना सीधे गोपालपुर से लेके बुधनी होते हुए बाया रहटी और बाड़ी तक शानदार 4 लेन बनने वाला है। शानदार 4 लेन कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल हो गया, ये 4 लेन बनेगा। तो सलकनपुर में अपनी देवी मैया का मंदिर, सलकनपुर वाली मैया अपने बचपन से श्रद्धा और आस्था का केंद्र, मेरी बहनों ऐसा भव्य मंदिर मैया का बन रहा है कि पूरी दुनिया देखने आएगी, पूरी दुनिया देखने आएगी, और माँ की कृपा हम सब पर बरसेगी। विकास के कामों की बात करें, स्कूल हो, पुल पुलिया हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बताओ, इतने काम कभी कांग्रेस की सरकार में हुए थे क्या? ये भी जोर से बोल के बताओ, हुए थे क्या? 1.25 साल कमलनाथ और कांग्रेस क्या आई, एक पत्थर एक गिट्टी नहीं लगी हमारे क्षेत्र में। लेकिन अपन ने लगातार कोशिश की। कोई सोचता था कि बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, 750 करोड़ रुपया का मेडिकल कॉलेज, कोई कल्पना करता था? जितने विकास के काम संभव थे सब करने का दिन और रात, और पूरे प्रदेश में कर रहा हूं। पूरा प्रदेश आज बदल रहा है। पूरे प्रदेश में भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ के पहले 11,000 थी, अब 1,40,000 रुपया हो गई। बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदले इसलिए कई योजना बनाई। पहले लाडली लक्ष्मी बनाई ताकि बेटी बोझ ना समझे,
नहीं था जिसने तय किया कि गरीब बिटिया की शादी में परिवार पर बोझ ना आए, इसलिए बेटियों की शादी करना शुरू की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मैंने बनाई। हमने तय किया कि सरपंच जैसे चुनाव में भी बहनों को आधी सीटों पर रिजर्वेशन देंगे, ताकि मेरी बहन और बेटियां भी सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, नगर पंचायत में जाए, जिला पंचायत में जाए। अगर मैं ये रिजर्वेशन नहीं देता जुगल, अगर मैं रिजर्वेशन नहीं देता तो बन जाती क्या सरपंच? बनने ही नहीं देती। कहेंगे हम लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। लेकिन हमने तय किया कि बहनों को भी गांव की और शहर की सरकार चलाने दो। कई काम देखो, बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए अभी जिनने 12वीं में 75% नंबर लाए, 25-25 हजार रुपया मैंने उन बच्चों के खाते में डलवाए, ताकि वो लैपटॉप कंप्यूटर खरीद के बढ़िया पढ़ाई कर सके। पांचवी पास करके छठवीं में जो बच्चे दूसरे गांव जाते हैं उनके खाते में अभी 4,500 रुपया साइकिल के लिए डालने वाला हूँ। 8वीं पास करके 9वीं में जो जाते हैं दूसरे गांव उनके खाते में भी 4,500 रुपया डालने वाला हूँ। और अपने बाया के स्कूल में भी, हाई स्कूल में 12वीं में, बाया हो चाहे और कोई गांव, जो 12वीं में एक बेटा और एक बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आई है, उसको मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाने वाला है, ताकि उस पे बैठ के वो कॉलेज की पढ़ाई करे। और एक बात और सुनना, ये सब के लिए तय किया है। मैं जानता हूं हर माँ बाप किसान हो गरीब हो अपने बेटा बेटी को पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ते देखना चाहता है, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण कई बच्चों की पढ़ाई अटक जाती है। अब मेरी बहनों और भाइयों और बेटा बेटियों साफ ध्यान से सुन लेना, अगर अपनी मेहनत से मेरे बच्चों का एडमिशन मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, कहीं भी होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8-10 लाख रुपया साल, 5 साल के 50 लाख। बताओ किसानों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? गरीबों के दे सकते हैं क्या? तो अब ये फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, मामा भरवाएगा।